आज की ब्रेकिंग न्यूज, कला गांव में एक छोटी सी बच्ची का रेप हुआ है। क्या कर रही है यहाँ की सरकार, पुलिस और डिपार्टमेंट? तक ये सब कुछ चलता रहेगा, क्या कर रही है हमारी पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार। आज देख रहे हैं पंजाब मेल न्यूज 24, रिपोर्टर मुस्कान साहू के साथ कैमरामैन करण। आज की ब्रेकिंग न्यूज जो दिल दहलाने वाली खबर है, कला गांव के एक सुनसान से इलाके की जो वारदात है, जहां पर कुछ दरिंदों ने एक मासूम सी बच्ची का बलात्कार किया। ऐसे वेशी दरिंदों को लाज भी नहीं आई ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए। हमारी सरकार और प्रशासन क्या कर रहे हैं, कब तक हमारे देश की बेटियां जो अत्याचार सहती रहेंगी? सरकार को इस माहौल को लेकर सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे। पंजाब मेल न्यूज 24, रिपोर्टर मनजोत के साथ कैमरामैन स्टंडी। रोज अखबारों में टीवी में रेप केस की खबरें सुनने को मिलती हैं। कैसे ये बेरहम पापी लोग ये सब कुछ कर लेते हैं? इनका जमीर, इनकी अंतरात्मा इन्हें कोसती नहीं है? नहीं मोनिका, इन दरिंदों का कोई जमीर कोई अंतरात्मा नहीं होती है। इन हवस के दरिंदों को आम जनता के सामने सजा देनी चाहिए। इन दरिंदों को पब्लिक के बीच बाजार खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये लोग पब्लिक के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगे। तेरा पीछा कर रहा हूँ, आज मौका मिला तो तुझे छोड़ दूँ? छोड़ दो। चल मेरे भाई, बचा शुरू। बचा बचाएगा भाई। कौन बचाएगा? छोड़ दो। छोड़ दो। क्या मलाई होंठ है इसके? बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे। कोई है? चिल्ला ले। और ओए। गिड़ाना, इज्जत के लिए भीख मांगना और हाथ जोड़ना कमजोरों के लिए होता है। जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, ये काम हिम्मत वालों का होता है। अबे कौन है अबे तू? मेरी क्या पहल लगती है? मेरी तो पता नहीं, लेकिन अब तुम्हारी जरूर लगेगी। अबे तेरी तो या, या, या। सही समय पर आ गए, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। देखिए, आप मेरा थैंक्स मत कीजिए, अपनी रक्षा करना खुद सीखिए। आज तो मैंने आपको बचा लिया, लेकिन भगवान ना करे कल फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आपको कौन बचाएगा? हम लड़कियां कर भी क्या सकती हैं, रो सकती हैं, हाथ जोड़ सकती हैं। अगर हम में इतनी हिम्मत होती तो हम लड़ती, ऐसे इज्जत की भीख ना मांगते। देखो, डर हमारी कमजोरी है और डर को दिल से निकालना बहुत जरूरी है। वैसे बनाने में कोई कमी नहीं दी ऊपर वाले ने, बस थोड़ी सी हिम्मत देना भूल गए। कोशिश करो, सब अपने आप हो जाएगा। हम कर भी क्या सकती हैं? कराटे वगैरह सीखो,
कृपाण चलाना सीखो, और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। सरदारों की औरतों को देखो, गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से कमजोर औरत ताकतवर आदमी का भी मुकाबला कर लेती है, और अपने कृपाण से अपनी रक्षा तो करती है बल्कि दूसरों की भी करती है। फिर आप ही सिखा दीजिए। अरे मैं कैसे सिखा सकता हूँ, आप कोई अकेडमी ज्वाइन करो। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके, ऐसा करो कल मेरे घर आ जाओ, फ्लावर एनक्लेव बंगलो नंबर 1। ठीक है। चले अब। 1 2 3 कम ऑन ब्रो कम ऑन। वाओ। अरे चिंकू तुम्हारी टांगे कमजोर क्यों गिरे? अरे भाई मैं तो पीछे खड़ा हूँ, सामने लड़की खड़ी है, मैं तो पीछे खड़ा हूँ। जी बोलिए। चिंकू तू जानता है कैसे? भाई मेरा नाम अनीश है। अरे वो लोगों के लिए है, मेरे लिए तू हमेशा चिंकू ही रहेगा। जी बोलिए आप। जी कल मेरी इज्जत लूटने लगे थे तो। चिंकू क्या बोल रही है तेरे बारे में ये? भाई पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। जी नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं उन गुंडों की बात कर रही हूँ जिनसे चिंकू जी ने मुझे बचाया। मेरा नाम अनीश है। भाई तो चले गए, चलो हम भी चलते हैं अब गार्डन में। एक बात और, चिंकू मैं भाई के लिए हूँ, तुम्हारे लिए मैं अनीश हूँ, चले? जी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राशि। राशि, ओके। राशि कम ऑन। यस। मेरे से नहीं होगा, मेरे हाथ दर्द करने लगे, मुश्किल है मेरे लिए। राशि क्या यह दर्द उस दर्द से बड़ा है जो तुम्हारे साथ होने लगा था? तुम भारतीय नारी हो और तुम्हें ऐसी लड़कियों के लिए मिसाल बनना होगा। कोशिश करो, हिम्मत करो, हो जाएगा। कम ऑन राशि। We'll be right back.
ऐसा दिखा, नाज करे तुझ पे दुनिया, करके कुछ ऐसा दिखा, नाज करे तुझ पे दुनिया। लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, जो सोचे इस अंतर का वो है बुद्धि से छोटा। नागा मतलब नाग भैया नहीं कोई मंसूरी है, सेल्फ डिफेंस जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, सेल्फ डिफेंस जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। तेरी ताकत तेरा हौसला, क्या करना है तेरा फैसला, चुस्ती फुर्ती तेरे हथियार, करो फटाफट अपना वार, चुस्ती फुर्ती तेरे हथियार, करो फटाफट अपना वार। जिंदगी और मौत में पल भर की ही दूरी है, सेल्फ डिफेंस जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, सेल्फ डिफेंस जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। थैंक्स। किस लिए? कमजोर शरीर को हिम्मत देने के लिए और डर को दिल से निकालने के लिए। ओके। वैसे डर हमारी कमजोरी है और हिम्मत हमारी ताकत। तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दूं। बताइए ना आपको क्या पसंद है। मैं किसी से गिफ्ट विफ्ट नहीं लेता। प्लीज सर। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ गिफ्ट देना ही है तो कुछ ऐसा दो जो तुम्हें और मुझे जिंदगी भर तक याद रहे। क्या? ऐसा जो जिस तरह से मैंने तुम्हें अपनी रक्षा करना खुद सिखाया, वैसे ही अपनी जैसी एक और लड़की को ट्रेन करो और उससे कहो वो अपनी जैसी एक और लड़की को ट्रेन करे। जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन इस देश में कोई भी लड़की कमजोर पैदा नहीं होगी। और मेरे लिए इससे बेहतर गिफ्ट और क्या हो सकता है। क्या बात है, कितने खूबसूरत विचार हैं आपके। वैसे ये विचार मेरे नहीं है, मेरे भाई के हैं। सोशल वर्कर है ना वो। हाँ। अरे सोशल वर्कर तो कितने अच्छे होते हैं, पर उनका तो गुस्सा ही ऐसा है जैसे खा ही जाएंगे। मेरे भाई ऐसे नहीं थे, बहुत अच्छे थे वो। वक्त ने उन्हें और हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया। एक्सक्यूज मी सर, एक इमरजेंसी पेशेंट है। भाई मैंने पैसे जमा करा दिए। आप हौसला रखें मौसी। मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मौसी आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम हैं ना आपके साथ और पैसे की भी कमी नहीं आने देंगे। मौसी हौसला रखिए, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसकी जान बच जाएगी। हम हैं ना आपके साथ, हौसला रखिए आप। अनीश डॉक्टर आया। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, बच्ची कैसी है? मेरी बेटी। सॉरी मैं आपकी बच्ची को बचा नहीं पाया। डॉक्टर आखिर बच्ची को हुआ क्या था? रेप। क्या? बहुत बेरहमी से रेप। हवस का शिकार हो गई और कमीनों ने उसका गला दबा दिया। Thank you.
क्या हुआ अभिजीत? कुछ नहीं। मम्मा बचाओ 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 मम्मा मम्मा प्लीज बचाओ मम्मा बचाओ 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 मम्मा। क्या हो गया इनको? क्या हुआ अभिजीत? आप खाना खाए बिना ही उठ गए? परेशान हैं क्या? रीमा, जिस बच्ची को कल हम हॉस्पिटल लेके गए थे उसे हम बचा नहीं पाए, वो मर गई। कैसे? रेप हुआ था उसके साथ बेरहमी से। पता नहीं किन कुत्तों ने उस लड़की को अपना शिकार बनाया और उसकी चीखें मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अभिजीत, जो तुम करते हो वो दिल से करते हो और दिल को लगी बातें हमेशा याद रहती हैं। जिन्होंने भी ये घटिया हरकत की है ना, भगवान उन्हें एक ना एक दिन सजा जरूर देगा। फिलहाल आप खाना खा लीजिए। देखना, जिस दिन हमारे घर में लड़की पैदा होगी ना, हम उसे अपनी सुरक्षा खुद करनी सिखाएंगे। ऐसे हालातों में दुश्मन से लड़ना कैसे है उसे पूरा सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। जुडो, कराटे, कृपाण चलाना, ये सब। जब वो ये सब सीख जाएगी ना, उसे कहूँगा बच्चे कि तू अपने जैसी एक लड़की तू और तैयार कर। ऐसा करने से देखना, हमारे देश में कोई भी लड़की कमज़ोर पैदा नहीं होगी। हवस के पुजारी जब भी किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालेंगे ना, तो 100 बार सोचेंगे। क्या बात है भाई, अगर लड़का पैदा हुआ तो हम भगवान के आगे प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में लड़की ही पैदा हो जो लड़कों से कम नहीं होगी, और सीना ठोक कर कहूंगा ये मेरी बेटी है। चलो बातें छोड़ो, पहले खाना खा लो, फिर मुझे बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाना है। राजू चाय ला। बॉस? यस बॉस। वो लड़की आई क्या? अभी नहीं आई बॉस, वेट कर रहा हूँ, जैसे आते आपको फोन करूंगा। आज लड़की जानी नहीं चाहिए, बहुत देर हो गई उसके पीछे घूमते हुए। साला मलाई माल है मलाई, उसे ढूंढ। यस बॉस। और मेरी प्यास बुझा, समझा? ओके बॉस। साला कमबख्त, ड्रग्स का नशा इतना खराब नहीं होता जितना इश्क का होता है। पता नहीं क्या क्या करवा लेता है कमबख्त। ये पंडित, देखना जरा आई क्या। बस लड़की आ गई। आ गई? हाँ
फोन बंद आ रहा है उसका, तू स्कूल में फोन लगा कर पूछ। जी भाई। हेलो। हेलो, हाँ आंटी जी, मैं अनिश बोल रहा हूँ। जी अनिश। आंटी जी, भाभी अभी तक घर नहीं आई, क्या आप हमें बता सकती हैं कि वो स्कूल से घर कितने बजे निकली थी? हम लोग बहुत परेशान हैं। अनिश, वो तो छुट्टी के टाइम पे ही चली गई थी। जी आंटी। भाई, भाभी तो छुट्टी के टाइम ही स्कूल से घर निकल चुकी थी। अब तक घर पे क्यों नहीं आई वो? पता नहीं कहाँ जा सकती है। ये किसका फोन है? हेलो। हेलो, मिस्टर अभिजीत सिंह। जी बोलिए। मैं इंस्पेक्टर धर्म सिंह बोल रहा हूँ। जी। हमें बाग में एक लाश मिली है, और लाश के गले में जो आईडी कार्ड है, जी, उस पर आप ही का नंबर है, और उसका नाम रीमा है। क्या? आप जल्दी से कूल रोड के पास आ जाइए। जी, आप जल्दी से आ जाइए। चल अनिश, भाग। करिए अब क्या करिए।
रब्बा जी कर क्या करिए क्या ना करिए। चलते चलते मोड़ वो आया, बिछड़ गया मुझसे मेरा साया। हंसने की चाहत ने रुलाया, जाने वाला चला गया। ओ रब्बा इंतजार अब क्या करिए, जी कर जहां में क्या करिए। हायो रब्बा जी कर क्या करिए अब क्या करिए। हायो रब्बा जी कर क्या करिए क्या ना करिए। सर कैसे हुआ ये सब? मुझे लगता है किसी ने रेप किया इनके साथ। बाकी की रिपोर्ट पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा। मुल्के अदम से कौन है आया, जिंदगी ने कब वादा निभाया। कदम कदम पर धोखा खाया, खाली रही तस्वीर। ओ रब्बा रंगे वफा अब क्या भरिए, जी कर जहां में क्या करिए। हायो रब्बा जी कर क्या करिए अब क्या करिए। हायो रब्बा जी कर क्या करिए क्या ना करिए। आया रिमा। तुम्हारी ये चूड़ियां कैसे टूटी और खून क्यों निकल रहा है? बस में भीड़ बहुत थी इसलिए टूट गई। रीमा मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर ये सब कुछ पाओगी मुझसे, भगवान ना करे कि कल कुछ बड़ा हो जाए। प्यार करती हो ना मुझसे? बताओ। हाथ छोड़ो वरना थप्पड़ मार दूंगी। मुझे हाथ पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं। अगर छोड़ना ही होता तो पकड़ता क्यों? मेरे हाथ से जिसने भी हाथ छुड़वाया मैंने उसकी दुनिया छुड़वा दी। एमएलए का लड़का उदित, उसने आज मेरा रास्ता रोका और गुस्से में मैंने उसे 3-4 थप्पड़ मार दिए और चूड़ियां टूट के हाथ में लग गई। अच्छा किया थप्पड़ मारा तूने उसे। अगर अगली बार ऐसा करे तो जान से मार देना, हम उसकी पुलिस कंप्लेंट करेंगे। नहीं पावर वाले हैं वो। नहीं पावर वाले हैं तो कुछ भी करेंगे क्या? नहीं कुछ नहीं होगा, पुलिस तो उनके जेब में रहती है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को अपना इंसाफ खुद करना पड़ता है, इज्जत के लिए मारना या मरना। अभिजीत पहली बात तो यह है कि मुझे बेहद अफसोस है, तुम्हारी पत्नी के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। और दूसरी बात यह है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे हाथ पूरी तरह से कट चुके हैं। हाँ
एक रास्ता है मेरे पास, वो एमएलए का बेटा हवस का बहुत बड़ा पुजारी है। अगर हो सकता है तो एक कोशिश करके देखो, लड़की बनकर उसको अपने जाल में फंसाओ। ये सब हो पाएगा? क्यों नहीं। इंस्पेक्टर धर्म की बात तो सही है, लेकिन मुझे गलती से भी गलती नहीं करनी होगी। हर कदम मुझे बड़ी ही समझदारी से चलना होगा।
खुशियों से भरी हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमें क्या पता था कि हमारे सिर पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। जो भाभी के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हमारी सारी खुशियां छिन चुकी थी, पर हम चुप नहीं बैठना भेजना चाहते थे। फिर हमने उसे मारने का प्लान किया, और वो मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी रमन। उसने हमारा साथ दिया उसे मारने में। भाई ये रमन है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड। इसने हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। हाय रमन। हाय। भाई हमारे साथ जो भी हुआ है सब मैंने बता दिया इसको। मैं आपसे एक बात पूछूं? जी। आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? वहां पर भी तो आप कर सकते थे ना। आम आदमी और एक पावरफुल आदमी में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर हम कंप्लेंट करेंगे भी तो क्या होगा? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते घूमते रहेंगे, और कम से कम उसे कुछ महीनों की सजा होगी जो हम नहीं चाहते। तुम्हें तो पता ही अनीश जी, हमारे सीने में बल रही जो आग ऐसी ठंडी नहीं होगी। उसे मार कर ही होगी। इसमें हमें तुम्हारा साथ चाहिए। तो मुझे करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस प्यार का नाटक। ओके ठीक है। अनीश। हाँ भाई। तू रमन को घर छोड़ दे, कल मिलते हैं। ठीक है भाई। ओके हम चलते हैं। चल गुरजंट से। हाँ पानी पूनी पी, ठंडा हो, फिर करदा तेरे नाल गल। जब भी टेंशन है नू साले ने मैनू टेंशन पाती। थैंक्स रमन। उसे मारना इतना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं। दोस्त हूँ इसलिए साथ दे रही हूँ, पर ऐसे इंसान को मारना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। देख भरावा, इत्थे मरन बुलाने दी गल्लां ना कर। असां यार घर वाली दे गहने कट्टे बेच के दुकान बनाई है, कितने एवीं ना बका दी। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं? देख ला यारा, अरे कुछ नहीं होगा। रमन को हमने पूरी तरह से समझा दिया कि वह उसे फंसाना कैसे है। रमन डर रही थी, पर उसे हिम्मत दिखाई और उसने अपने काम को अंजाम दिया। चल जल्दी जा, वो जल्दी जाओ, वो आ गया है, जल्दी जाओ। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ काम था, आप प्लीज मुझे ये एड्रेस बता देंगे? एक्चुअली मुझे पता नहीं ये कहाँ है। हाँ यहाँ से थोड़ा लेफ्ट और आगे जाके थोड़ा राइट, वैसे मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको छोड़ दूँ। ओके थैंक यू। आइटम तो भारी है। क्या बात
है, बड़ा कदराया बदन है। नंबर कैसे लूँ इसको? सॉरी, मुझे आप अपना फोन दे सकती हैं? Why? वो एक्चुअली क्या है, मुझे एक फोन करना था किसी को और मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। हाँ, so, कोई नहीं, लीजिए आप। ओह, थैंक यू वेरी मच। कम ना है पूरा। अरे यार, क्या कर रहा है तू? लगता है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। माइंड ना कर तो मैसेज कर दो। हाँ, कोई बात नहीं, कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या करती हैं आप? मैं जॉब की तलाश में हूँ और जहाँ जा रही हूँ वहाँ इंटरव्यू है और पता नहीं मुझे आज जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं। ओके, आप ऐसा क्यों नहीं करती? मैं आपका एक काम करवा देता हूँ, जॉब की टेंशन खत्म। मेरे पास बहुत काम है, आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए कौन मना कर सकता है ना? तो मैं कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक्स। सही है। मुझे लगता है आपका स्टॉपेज आ गया, तो हाँ। ओह हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। बाय बाय। क्या चीज है, आ जाए तो मजा आ जाएगा। चल भाई, कल जिंदगी जिएंगे। अगले ही दिन हम उसके फोन का इंतजार कर रहे थे कि कब उसका फोन आए और अपने काम को अंजाम दे। अभी तक उसका कोई कॉल क्यों नहीं आया? आएगा, जरूर आएगा। हाँ हाँ हाँ, आया फोन, मुझे लगता है उसी का है। हेलो। हेलो, उदित बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, जहाँ पर आप जॉब के लिए ट्राई करने गए थे, क्या जॉब मिली आपको? पर आपको मेरा नंबर मिला कहाँ से? मैंने मैसेज किया था ना अपने आदमी को, बस वहां से लिया। खैर छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपको जॉब मिली या नहीं मिली। नहीं, नहीं नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, मेरी पहचान में एक सेलर वाला मालिक है, मैं उससे बात करता हूँ, आपको जॉब दिलवा दूंगा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ ठीक है सर, थैंक्स। एक काम कीजिए, वो कल आप दोपहर को मुझे गेल बाईपास के पास 2 बजे के करीब मिल सकती है? ओके सर, ठीक है। सुनिए जी, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। थैंक्स। मुझे आपकी आंखें बहुत पसंद हैं। अब कल का दिन उसका आखिरी दिन होगा, बस इंतजार है अब कल की दोपहर का।
इतना मत पी साकी कि तेरे संग मैं और तू शराबी हो जाए। कल मुझे उससे हर हाल में मिलना है, मुझे उससे मिलना है, उससे मुझे अपना बनाना है, उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके जिस्म को मुझे पीना है उसके, मेरी प्यास मुझे बुझानी है। देखो यही है वो राइस मिल, आज मैं तुम्हारे लिए, अरे रुक क्यों गई, आओ ना, अरे आओ तो सही, आज मुझे तुम्हें सेलर वाले से मिलवाना ना, आज तुम्हें जॉब भी तो दिलवानी है, आज के बाद तुम्हारी सारी टेंशन खत्म, और होनी भी चाहिए है ना, अरे आओ ना, आज तुम्हें इतनी अच्छी जॉब दिलवाऊंगा कि जिंदगी में तुम्हें कभी जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज हम तुमको परमानेंट जॉब दिलाते हैं, पहले चेक तो कर ले कि तू जॉब करने के लायक है या नहीं। सर ये क्या कर रहे हो आप? अरे चेक करो तू जॉब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ऐसे ही किसी लड़की को एक किसी ने ट्रैक पर मार कर फेंक दिया था। अरे उससे मैंने ही मारा था, उस सली ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, पर तुझे थोड़ी ना मारूंगा, तू तो मेरी जान है। आज हम मारेंगे तुम्हें। ये साला कहां से आ गया? और तुम्हें हम बताएंगे कि किसी की इज्जत के साथ कैसे खेलते हैं। इनको जन्नत दिखा कहता हूं जान। Yeah.
बस ऐसे थे अभिजीत भाई। सर मेरे भी पापा कहते हैं अगर देश को संवारना है तो घर से शुरुआत करनी चाहिए। मैं अपनी सभी सहेलियों को तैयार करूंगी, थोड़ा नहीं पर पूरी कोशिश करूंगी कि समाज के लिए कुछ तो कर पाऊं। बूंद बूंद से सागर बनता है और एक दूसरे के साथ से इंसान ताकतवर। तुम कोशिश करो, कमजोर लड़कियों को सिखाओ, उनकी हौसला अफजाई करो, तुम्हारा साथ मैं दूंगा। ये रो क्यों रही है? राशि अब तुम्हारी बारी है उस लड़की को सेल्फ डिफेंस के लिए जागरूक करने की। वो ना तो उसका भाई लग रहा है और ना ही उसका बॉयफ्रेंड। जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है ना, मामला कुछ अलग ही लग रहा है। अभी दिखाते हैं उसको दिन में तारे, जानवर भी अच्छे हैं सड़क छाप गुंडों से। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं दीदी, ये गुंडा मुझे रोज परेशान करता है। इसके डर से मैं आज कॉलेज भी नहीं गई और यहाँ आके बैठ गई। ये मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक भी आ गया। अगर मैं अपने घर वालों को बताऊं तो बताऊं कैसे, समझ नहीं आ रहा। दीदी मैं परेशान हो चुकी हूँ। अबे सुन, ये इसका और मेरा मैटर है, तू निकल यहाँ से, चल। अबे साली मुझे मारती है, देख लूंगा साली, देख लूंगा तुझे। देख लेना, कोई बात नहीं। दीदी आज तो आप थी, लेकिन कल कौन होगा? रोने से अच्छा है हिम्मत से मारना। अपनी इज्जत की रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना शौक नहीं, मजबूरी है। अगर कोशिश करोगी तो ऐसे 10 कुत्तों को मारोगी। और शरीर कमजोर नहीं, डर हमारी कमजोरी है और इसी कारण कुछ बातें हम अपने परिवार वालों को नहीं बता पाते और इसी वजह से हमें ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। सेल्फ डिफेंस सीखोगी तो ऐसे कुत्तों का मुकाबला खुद कर सकोगी। मैं भी तुम्हारे जैसी थी, मगर आज मैं अपनी रक्षा करना जानती हूँ और दूसरों की भी रक्षा करना जानती हूँ। थैंक्स। ध्यान रखना, हम चलते हैं। कैसे हो अंकल? सुना है रात को इनके अपने साले के साथ झगड़ा हुआ था। क्यों? मामा का और भांजी के साथ चक्कर था और आज वो दोनों सुबह भाग गए और उनके गम में ये चल बसे। कितनी गंदी बात है, मामा को बिल्कुल शर्म नहीं आई। ये कलयुग है बेटा, किस पे भरोसा करें किस पे ना करें समझ के बाहर है। पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का, पवित्र रिश्तों को भी खराब कर दिया इस हवस के पुजारियों ने। चलो भाई शमशान घाट ले चलते हैं। Ha!
ये कैसे हुआ अंकल? सुना है रात को इनके अपने साले के साथ झगड़ा हुआ था। क्यों? मामा का और भांजी के साथ चक्कर था और आज वो दोनों सुबह भाग गए और उनके गम में ये चल बसे। कितनी गंदी बात है, मामा को बिल्कुल शर्म नहीं आई। ये कलयुग है बेटा, किस पे भरोसा करें किस पे ना करें समझ के बाहर है। पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का, पवित्र रिश्तों को भी खराब कर दिया इस हवस के पुजारियों ने। आशी, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? जी पापा। क्यों बेटा? पापा, जो मंदिर के पास शराबी अंकल रहते थे ना, वो आज चल बसे। बेटा, एक ना एक दिन सभी को जाना है। वो आजकल बहुत शराब पीने लगे थे, कुछ ज्यादा ही पीने लगे थे। नहीं पापा। तो फिर उनकी लड़की का अपने मामा के साथ चक्कर था और उनके साथ घर से भाग गई। यही सोचकर नींद नहीं आ रही कि इन्होंने पवित्र रिश्तों को भी नहीं छोड़ा। बेटा, हम जिस समाज में रहते हैं उसे हमारे ही पूर्वजों ने रिश्ते नातों में इसलिए बांधा था कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे समाज की मर्यादा टूटे। और बेटा, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई भी काम ना हो, क्योंकि हमें समाज में रहना है, लोगों को मुंह दिखाना है। और बेटा, ये हमेशा याद रखना, ये उन नियमों की देन है कि समाज इतना आगे बढ़ा, मगर तरक्की के नाम पर हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहां ना आगे की सोच है ना पीछे का ख्याल। बाप तो उसी वक्त ही मर जाता है जब उसकी औलाद कोई ऐसा काम कर बैठे कि बाप बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक ही ना बचे। वो मर गया, अच्छा हुआ। अगर उसकी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी यही करता जो उसने किया। पापा, आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं और मुझे अपनी बेटी से कुछ उम्मीदें हैं। आपकी हर उम्मीद पूरी होगी, मैं ही आपकी लड़की हूँ और मैं ही आपका लड़का। हाँ बेटा, लड़कियां आजकल चूल्हा चौका तक ही सीमित नहीं रही है, वे चांद पर कदम रख चुकी है। पापी हैं वो लोग जो ये सोचकर भ्रूण हत्या करते हैं, सिर्फ इसी बात को सोचकर कि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। वो इन सब बातों को भूल जाते हैं कि इस दुनिया की बुनियाद आदि शक्ति से है, जिसका नाम वैष्णवी, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा है। बेटी भारतीय नारी का एक अपना ही इतिहास है जिसे विष्णु ने माना है। यहां तक कि
हमारे देश का नाम भी माँ के नाम पर है, भारत माता। बेटा सवेरे जल्दी मुझे और तुम्हारी मम्मी को कुछ जरूरी काम से दिल्ली जाना है, रात काफी हो गई। मैं आज की लड़की हूँ पापा, आप फिक्र ना करें। अरे यार कुछ नहीं है। हेलो। हेलो अंकल, मैं फ्लैट नंबर 79 से बोल रही हूँ। बोलो बेटा। अंकल एक पैकेट दूध और ब्राउन ब्रेड भेज दो। कितना टाइम लगेगा? बेटा 5 मिनट में डिलीवरी हो जाएगा। जी। और पैसे? 100 रुपये। ठीक है, ओके। नत्थू। जी भाऊ। ये सामान डिलीवरी करके आ। आया भाऊ। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपका ऑर्डर। हेलो। हेलो आशी। हाँ किरण बोल। आज संडे है, सलमान की फिल्म लगी है, हम सबने मिलकर प्लान बनाया है, चलें क्या देखने? यार नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। प्लीज यार। पर यार घर पे कोई नहीं और मैं भी अकेली हूँ, मॉम डैड भी 3-4 दिन के लिए दिल्ली गए हुए हैं, तो आज तो बिल्कुल नहीं। ठीक है यार। सॉरी यार, किसी और दिन। ओके। ठीक है। कितने पैसे हुए? 100 रुपीस। ये लीजिए। मैम एक गिलास पानी मिलेगा? जी जरूर। लड़कियों का पेट में मरवाना बंद कर दो, फिर देखना
लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा करके दिखाएंगी। आप कहीं जा रहे हो क्या? आप ही बताएं। एक्चुअली भारत सरकार की तरफ से मुझे स्कूल के बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाने का मौका मिला है, बस कैंप शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं भी साथ चल सकती हूँ क्या? नहीं, आप अपनी शुरुआत यहीं से शुरू करें। हाँ एक बात और, जो तुम मन में सोच रही हो ना, वो मैं आके देखूंगा। अनीश मैंने सुन लिया, चलेंगे अब। बाय। हो गया। चलो। करो फटाफट अपना वार। जिंदगी और मौत में